दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकी में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन है मंगलवार का, तारीख है 3 अक्टूबर 2023, अश्विन कृष्ण पंचमी पर चंद्रमा वृष राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ दिशा रहेगी व्यायव, राहु काल रहेगा शाम को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:47 से लेकर दोपहर में 2:56 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:15 से लेकर के शाम को 6:04 तक। विशेष क्या है, पंचमी श्राद्ध है, इसे कुंवारा पंचमी कहते हैं। खास दिन है, जो कुंवारे बुजुर्ग गुजर जाते हैं, अविवाहित गुजर जाते हैं, उनके श्राद्ध का विशेष महत्व इस दिन माना जाता है। और साथ ही साथ है कार्तिकेय दीपम, ये खास दिन होता है जब शिवलिंग को प्रधान मान के शिव मंत्रों के साथ में पितरों के निमित्त दीपक अर्पित करने का विधान है। हमारा विशेष उपाय भी इसी से संबंधित है, पूरी जानकारी इस पे देंगे। लेकिन अभी बात करेंगे भविष्यवाणी में राशिफल की। बात करेंगे पहली राशि मेष यानी एरीज की। मेष राशि वालों, समाज में प्रभाव बढ़ेगा, लोग सहयोग देंगे, धैर्य से काम ले, कार्यक्षेत्र में बदलाव आएंगे, पढ़ाई में शुभ परिणाम मिलेंगे, घरेलू जीवन सुखी रहेगा। उपाय ये करेंगे, पूजा घर में मसूर चढ़ाएं, शुभ अंग 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। दूसरी राशि वृष यानी टॉरस की बात करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, कोई खुशखबरी मिलेगी, कारोबारी सफलता मिलेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, घर में सुख शांति रहेगी, जीवन साथी पूरा सहयोग देगा। उपाय ये करेंगे, तांबे के बर्तन का उपयोग करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे, मन में उलझन रहेगी, मित्रों की राय कारगर रहेगी, धर्मस्थल में दर्शन करने जाएंगे, किसी के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, छात्रों को अच्छे मौके मिलेंगे। उपाय ये करेंगे, गेहूं के दाने कर्पूर से जला दें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, सतर्क रहें, दुर्घटना के योग हैं, व्यक्तित्व में निखार आएगा, प्रयास सफल होंगे, दफ्तर में तारीफ होगी, आर्थिक क्षेत्र ठीक रहेगा, पिता पूरा सहयोग देंगे। उपाय ये करेंगे, धार्मिक चित्र पर शुद्धगी का दीपक करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, फैसले लेने में उलझने रहेगी, नई योजनाओं पर काम करेंगे, मेहनत का फल मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। उपाय ये करेंगे, सिक्के पर लाल चंदन लगाकर पर्स में रखें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, सेहत नरम रहेगी, खान पान पर ध्यान दें, आमदनी में वृद्धि के योग हैं, छात्रों को करियर में सुधार आता हुआ दिखाई देगा, परिजन पूरा सहयोग देंगे, भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे। उपाय ये करें कि कीमती जेवरात लाल कपड़े में बांध कर रखें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, लेन देन में सावधानी बरतें, कीमती चीज़ें संभाल कर रखें, भविष्य की उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, रिश्तों को संजोने का प्रयास करेंगे, माता पिता से मनमुटाव के योग हैं। उपाय ये करेंगे, भिखारी को मसूर दान करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, धन लाभ के योग हैं, तरक्की के मौके मिलेंगे, परिजन पूरा सहयोग देंगे, जीवन साथी के सहयोग से बड़ी सफलता मिलेगी, प्रेम जीवन सफल रहेगा। उपाय ये करेंगे, इच्छा अनुसार मीठे चावल खाएं, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, कामकाज समय से पहले पूरा कर पाएंगे, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, संतान से खुशखबरी मिलेगी, प्रेमीगण साथ साथ घूमने फिरने जाएंगे। उपाय ये करेंगे, सिंदूर से क्रीम लिखकर पूजा घर में चढ़ाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, सेहत ठीक बनी रहेगी, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, प्रयास सफल होंगे, बाधाएं दूर होंगी, दाम्पत्य में प्रेम बढ़ेगा, प्रेमियों को शाम रसिक रहेगी। उपाय ये करें कि बेसन से बनी मिठाइयां खाएं, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, मन में उलझन बनी रहेगी, तरक्की के कुछ मौके मिलेंगे, कारोबारी लाभ के योग हैं, आर्थिक पक्ष सुधरेगा, रुका हुआ धन आपको वापस प्राप्त होगा, जीवन शैली में सुधार आने के योग हैं। उपाय ये करें कि किसी गरीब को गेहूं दान करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, बेचैनी महसूस होगी, दफ्तर का माहौल सुधरेगा, दफ्तर में सभी कामकाज हालांकि पूरे होंगे, शिक्षकों की आय में वृद्धि के योग हैं, जीवन साथी से बहसबाजी से बचें। उपाय ये करेंगे, दूध में शहद मिलाकर पिए, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो सेहत में सुधार लेके आएगा। देखिए खास दिन है, ये दिन है पंचमी के श्राद्ध का, इसको कुंवारा पंचमी भी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से जो कुंवारे हमारे पूर्वज होते हैं, जिनकी विवाह नहीं होती और उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके पूजन का विशेष महत्व है, इसे कुंवारा पंचमी कहते हैं। और ख़ास तौर से ये दिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि इस दिन कार्तिकेय दीपम है। ऐसे में
पितृगण के निमित्त शिवलिंग के समीप दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। और हमारा जो विशेष उपाय है सेहत में सुधार के लिए, उसमें आपको क्या करना है, शिवलिंग का पूजन करना है, पितृगण का श्राद्ध करना है, और सेहत में सुधार के लिए विशेष शिव मंत्र का जाप करते हुए पितृगण के निमित्त अलसी के तेल का दीपक जलाएं। अलसी है ना, जिसको फ्लैक्सीड कहते हैं। और उस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम आलोकाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, बिगड़ी हुई सेहत में निश्चित सुधार आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।